अगर आप वेकेशन के मूड में हैं तो लद्दाख आपका बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है और अब यहां घूमना और आसान और सस्ता हो गया है। जी हां, दरअसल अब यहां घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बेरोक टोक घूम सकते हैं। दरअसल इनर लाइन परमिट को सरकार ने खत्म कर दिया है। अब यात्रियों के यहाँ आने पर किसी सरकारी दस्तावेज की अनिवार्यता नहीं होगी और उनकी परमिट के लिए दी जाने वाली फीस भी बचेगी। इससे वहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा। लद्दाख में आने वाले लोगों को पहले यहाँ की यात्रा के लिए विशेष इनर लाइन परमिट लेना होता था। साल 2017 में शुरू हुई इस परमिट व्यवस्था के तहत 300 रुपये का पर्यावरण शुल्क और 100 रुपये की रेड क्रॉस फीस ली जाती थी। अब तक नुब्रा वैली, खारदुंगला, तुरतक, दा और पेंगोंग के लिए इनर परमिट लेना पड़ता था। आखिर क्या होता है इनर लाइन परमिट? दरअसल ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है ट्रैवलिंग का। इस परमिट को संबंधित राज्य सरकार जारी करती है। इस तरह का परमिट भारतीय नागरिकों को देश के अंदर के किसी संरक्षित क्षेत्र में तय सीमा समय के लिए यात्रा की इजाज़त देता है। इस परमिट के एवज में कुछ फीस भी ली जाती है। लद्दाख अपनी खूबसूरत वादियों, बर्फीली घाटियों, शांत वातावरण, अनूठी संस्कृति, कलात्मक शैली, शिल्पकला और रीति रिवाजों के लिए वर्ल्ड में फेमस है। सुंदर झीलों और मठ मन को मोहित कर देने वाला यहाँ पर पूरा सीन, यहाँ का एटमॉस्फेयर आपका दिल जीत लेता है। लद्दाख कराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर साउथ में हिमालय तक को घेरता है। ज़्यादातर लोगों को लेह और लद्दाख एक ही जगह रखती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर तीन भागों में बटा हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। लद्दाख दो भागों में बटा है, जिसमें लेह जिला और कारगिल जिला आते हैं। मई से सितंबर तक ले घूमा जा सकता है, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर बाद में बर्फ़ पड़ जाती है और बर्फ़ के बीच में आप ले लद्दाख नहीं घूम सकते हैं। लद्दाख जाने से पहले दो बातों का खास ख्याल रखें। लद्दाख में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए जब वहाँ पर आप पहुँचते हैं तो एक दिन का आपको रेस्ट का टाइम दिया जाता है और इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा वहाँ पे प्रीपेड सिम नहीं चलता। जम्मू एंड कश्मीर में पूरा जगह पर पोस्टपेड सिम चलते हैं, तो अगर आप वहाँ का प्लान कर रहे हैं तो अपना नंबर पहले ही पोस्टपेड करवा लें। लद्दाख जाने के कई रास्ते हैं। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो यहाँ पर दो रूट हैं, पहला श्रीनगर से ले और दूसरा मनाली से ले। श्रीनगर से लद्दाख जोजिला पास से होकर गुजरते हुए, जबकि मनाली से लद्दाख रोहतांग पास से होकर पहुँचते हैं। आप यहाँ बाइक या कार के ज़रिए पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली से लद्दाख के लिए सीधी गवर्नमेंट की बसें भी चलती हैं। इसके अलावा आप ट्रेन से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। जम्मू तवी सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो कि लद्दाख से 700 किलोमीटर दूर है। इसके आगे के लिए आप टैक्सी या फिर बस ले सकते हैं। यहाँ पर भी गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं। अगर आप टैक्सी लेना प्रेफर करते हैं तो 9 से 10 हज़ार रुपये लगेंगे। और अगर एरोप्लेन की बात की जाए तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। टिल देन, बाय बाय।